के अंतर्गत मन्नीपुरवा गांव का है। गांव में ही पति के मरने के बाद पत्नी संध्या वर्मा के परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके कंधों पर आ गई। संध्या वर्मा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए गांव से शहर आ गई और गांव में देवर कमलेश कुमार को देखभाल के लिए मकान दे दिया। वहीं पास में ही रहने वाला व्यक्ति सौरभ कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है और लखनऊ क्राइम ब्रांच में तैनात, सौरभ के पिता योगेंद्र कुमार जो कि रक्षा एनएमएल में कार्यरत है। सौरभ के पिता योगेंद्र कुमार ने संध्या वर्मा के घर के सामने अपना निवास बना रखा है और आगे भी मकान में हिस्सेदारी मांग रहा है और जो जगह मांग रहा है वो संध्या वर्मा के आंगन में आती है और उसे कब्जा करना चाहता है। न देने पर सिपाही और उसके दबंग पिता ने देवर कमलेश और संध्या वर्मा को जान से मारने की धमकी दिया। संध्या वर्मा गोपालपुर चौकी में आए दिन प्रार्थना पत्र लेकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और दर दर भटक रही हैं। संध्या का कहना है कि मैं विधवा हूँ और असहाय हूँ, मेरी और मेरे देवर दबंग पिता और सिपाही पुत्र द्वारा कभी भी हत्या हो सकती है। पिता और उनके सिपाही पुत्र से पूरा गांव है परेशान। सिपाही सौरभ देता है आए दिन धमकी और वर्दी के नशे में रहता है चकनाचूर। क्या नाम है आपका? संध्या वर्मा जी। संध्या जी, क्या मामला है, क्या बात हो गई? भैया, ये 20 साल पहले का मकान बना हुआ है, ठीक है, इसमें हमारे बगल वाले भी शामिल है, वो अपना मकान बगल में बनाए हैं और आज मेरा आधा बना है आधा नहीं बना है, तो हम बनवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो लड़ाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जिसमें से वो 6 फीट की जगह छोड़ने की बात हुई थी, 6 फीट हम छोड़ेंगे, 6 फीट आप छोड़ेंगे तो यहाँ से इंसान आएगा जाएगा, काम होता रहेगा। उन्होंने 6 फीट छोड़ा नहीं, मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए 20 साल पहले, हस्बैंड के ख़त्म होते उन्होंने अपनी बाउंड्री उठवा ली, ठीक। हम लोगों का इतना मतलब संगील मामला था कि हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया ना कुछ ज़रूरी समझा उस समय, और आज हम बनवाने चलो तुमने अपनी जगह ले ली 6 फीट, तो हम भी अब अपनी जगह 6 फीट तो लेंगे ना, वो 6 फीट हम अपनी जगह ले रहे हैं, तो पुलिस वुलिस बुलाकर, मतलब इनके घर में पुलिस वाले हैं तो ये पुलिस वुलिस बुलाकर हम पर दबाव दे रहे हैं कि ये जगह नहीं लेनी लेनी चाहिए, यहाँ पर रास्ता निकलेगा। आप कितने साल से यहाँ रह रही हो? हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। अब आपके जो जिनसे आपका विवाद है वो कितने सालों से? मेरी जिठानी है। नहीं, जिनसे विवाद है वो कितने सालों से रह रहे हैं? ये भी ऐसे, ये तो और उसके पहले से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। वो तो बहुत सालों से। कौन सा थाना कौन सा लगता है? कौन सा गांव है ये? थाना कौन सा है? चौकी गोपालपुर लगता है। थाने शिकायत किया था थाने में आपने? नहीं, हमने कोई सोचा ही नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि विवाद होगा। आप मेरे भैया हो, आप मेरे भैया हो, हम जानते कि मेरे भैया हो, अब वो कोई शरण नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? पुलिस वालों को लेके आए और हमसे कहते हैं कि तू साली कलुट्टी, मेरा क्या कर लेगी, तेरे जैसे 50 मेरी घूमती है, बताइए कौन कहता है? पुलिस वाला लड़का जो होगा वो ऐसे दबंगई दिखा रहा है, तेरे जैसे 50 घूमती है, ये बताइए इस तरह की शब्द। क्या नाम है लड़के का? सौरभ। सौरभ है, क्या करता है वो? पुलिस में। ये क्या मामला है, क्या क्या विवाद है, किस चीज को लेके? मामला विवाद का, ये लोग अपना बाउंड्री बना रहे हैं। जी। तो आखिर कहाँ रोड़ा पैदा हो जा रहा है, झगड़ा हो जा रहा है आपस में? क्या बताऊँ, कल तो आपस में लोग बात हुआ था यहाँ पे। आपके पास कोई सूचना नहीं आई किस चीज का? क्या सूचना हमारे पास गई थी? जी। तो इनका फैसला हो चुका था, तो फिर आज किस लिए झगड़ा हो गया? फैसला क्या हुआ था? फैसला ये हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक बना लो। क्या इस तरह फैसला हुआ था बनाने वाला? तो फिर पीछे ले लीजिए और पूरी गली यहाँ से पीछे तक बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं। हम आए तो यहाँ फैसला हो। प्रधान जी, ये जो आगे ये जो रास्ता बनाने का, जो यहाँ पे जो प्रकरण फंसा हुआ कि रास्ता है, विवाद है, गली है, इसका इसके राय में क्या कहना चाहते हैं, क्या उसका क्या होना चाहिए? आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आप लोगों ने भी देखा वो देख जी, आप प्रधान है भाई, प्रधान है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जनता प्रतिनिधि है आप, लोग क्या बता रहे हैं? इनका कहना है पीड़ित का कहना है कि वो हमारी जमीन है, उसमें वो कोई जेन्युइन रास्ता नहीं है जैसे कि उसका आना जाना लगा सके तो। और जो दूसरे पक्ष का कहना है कि वो एक रास्ता है और प्लस उसमें हमारी भी जमीन इंक्लूड है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ने देखा, बट आप क्या कह रहा है? आपने कल अगर यहाँ आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया जो रास्ता बंद है इस चीज को लिए? ऑब्जेक्शन यहाँ से जिसको मर्जी होता अपना निकल जाता है। ये तो पीड़ित का मन की बात है, जैसे कि पीड़ित चाहता है कि हम निकलने देना चाहते हैं, चलो निकल रहा है, लेकिन अगर पीड़ित चाहे अगर उसको अपना कवर करना, कवर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? दुकान की वजह से है ना चाचा, पीड़ित कवर कर सकता है नहीं कर सकता, उसको अपनी जमीन को घेर सकता है कि नहीं? लोग आपस में मिलकर चाहे तो घेर सकते हैं। जी 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 दोनों लोगों के ऊपर है।
तो प्रधान जी इस पे थोड़ा सा आप अपने स्तर से लोगों को देख लीजिए, जैसे कि ये विवाद जो बना हुआ है इसको कल ये विवाद खत्म हो गया था, फिर विवाद कहाँ उठाऊं क्या बताऊं। ये बता रही मकान बना रहे थे या कुछ कर रहे थे तो वहाँ उस पार्टी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ऐसा ऐसा नहीं होगा। हमको दोनों पक्ष ने मिले, कल यही मिले थे, यही पर बात थी। ठीक है, अपना प्यार से रहो सब लोग। और नहीं एक चीज और आप बताइए प्रधान बाबा, हम यहाँ आते जाते हैं कि नहीं है? 20 साल से हमको ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि ये यहाँ नहीं रहती है, आज आई है, ये यहाँ रहती नहीं, ये लोग ये बदनाम कर रहे हैं। क्या प्रधान जी आप क्या कहेंगे बताइए, जनता भी आपके सामने है, आप भी हैं। हम यहाँ पर इस प्रकरण को लेकर पति इसी में दुकान रखे थे, जी जी दुकान थी, जी जी जी, अचानक वो इस पार हो गए थे जी, तो ये अपना अपना वहाँ शहर में रहने लगे, यहाँ नहीं रहती है।